आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30 और आज व्लॉग की स्टार्टिंग बहुत ही जल्दी कर रही हूँ मैं। आज है मेरी बेटू का बर्थडे और अभी वो जो है सोई हुई है, तो मम्मी आ गई थी कल ही और अभी जो है बाहर से पानी वानी रख रखा है मैंने गर्म होने के लिए, और खाना वाना बनाते हैं थोड़ी देर में। पानी वानी गर्म होगा, नहाने के लिए पानी रखा है ना। और आज मौसम हुआ है बहुत ही ख़तरनाक वाला, बारिश आने वाला। मेरे मायके में तो बारिश हो रही है और यहाँ अभी फिलहाल बारिश का मौसम बना हुआ है। मल्ला रामगढ़ साइड को अभी फ्रंट वाले कैमरे से ऐसे बादल नहीं दिखाई दे रहे, बट बहुत मौसम बना हुआ है बारिश का, और इधर साइड से भी लगी रहा है। तो हल्की फुल्की बूंदें तो आ रही हैं अभी, पता नहीं बारिश होती है नहीं होती ये पता नहीं है। तो खाना वाना बनाते हैं। मम्मी कल लेके आई थी पालक, तो ये मैंने भिगाने के लिए रखा है, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो इसका हम बनाएंगे आज पालक का कापा। पहाड़ी दाल होती है ये, कि जैसे पालक की सब्ज़ी होती है वैसे ही, उसमें थोड़ा हल्का पानी और आटे का वो मिला के झोल जैसा बनाते हैं, उसको कहते हैं पालक का कापा। तो चावल के साथ वही बनाया जाएगा आज, और थोड़ा हरी सब्जी। तो अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, या नहाने के बाद मिलूँगी या थोड़ी देर में देखते हैं। अभी चाय रख के आई हूँ अंदर, तो चाय वाय देती हूँ मम्मी को, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तब तक आप बने रहिए मेरे सो ब्लॉग गाइस, में। हम लोगों ने नहा लिया है। आज मुझसे पहले मेरी बेटी ने नहाया और मैं बस अभी नहा के आ रही हूँ और खाना वाना खा के आ रही हूँ। तो बारिश का मौसम थोड़ा बहुत अभी भी बना हुआ है, थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की धूप आई थी फिर वो चले गई है। देखते हैं क्या होता है, शाम तक बारिश आती है कि धूप आती है। और हम लोग बाड़े में किस लिए आए हैं मैं वो दिखाती हूँ। ये रहा हमारा बाड़ा जिसमें ढेर सारा लहसुन हुआ है, और मैंने आपको शायद पहले किसी व्लॉग में बताया होगा कि मम्मी कभी आएगी तो वो कंदमूल फल होता है जो तैड़, उसको तोड़ेगी मतलब उसको निकालेगी। तो मम्मी अपनी ड्यूटी पर लग गई है क्योंकि मम्मी बोली है मैं कल को घर जाऊंगी करके, तो इसलिए मम्मी यहाँ अभी निकाल के जा रही है। मम्मी जरा दिखाना उसका मुँह कहाँ है, दिख रहा है तेरे को नीचे? ये देखो इतना जोर निकाल दिया मम्मी ने, दो निकाल दिए ये है, ऐसे और निकलेंगे यहाँ से अभी। और आड़ू के पेड़ के नीचे साइड मम्मी बहुत पहले इसको लगा के गई थी, तो बहुत पहले क्या, 2 साल तो मम्मी को, 2 साल पहले मम्मी आई थी, और उससे पहले कब लगाया था मम्मी ये? साल मैंने 1 साल निकाला है। हाँ मतलब 2 साल पहले से भी पहले लगाया होगा, मुझे नहीं पता कब लगाया है, याद नहीं है इसलिए बोल रही हूँ ऐसा। और एक टाइम पर आड़ू के पेड़ में बहुत सारे उसके बीज लटके हुए थे, तो वही ये चीज़ है जो जिसको मम्मी निकाल रही है। अभी निकालते हैं उसके बाद देखते हैं। मम्मी है कहाँ पर वो ऊपर साइड ना? ये तो है। हाँ यार बड़ा हुआ है। तो बर्थडे वाले यहाँ शैतानी कर रही है आज, क्या कर रही है शैतानी, कितनी क्यूट लग रही है लड़की। और हमारे यहाँ सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है आज का, सामने चल रहा है मैच। चाची ने लगा रखी है यहाँ पे मटर, और यहाँ भी लगाई है मटर, और ये देखो कितना अच्छा हुआ है ना यहाँ पे। यहाँ पे गोबर वाली जगह होगी ना तब हुआ है ये। और इस खेत में मटर लगी है इधर को, उधर साइड फिर चाची ने पालक लगाया है, खूब हरी सब्जी लगाई चाची ने। और चाची का लहसुन थोड़ा हमसे बड़ा हो रखा है, और ये यहाँ पे लगा है प्याज। नानी अंदर घुस के निकाल ली क्योंकि उसमें पूरा दीवार तो तोड़ नहीं सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तोड़ के वो कर रहे हैं, और तोड़ने में ऐसे वो भी हो जा रहे हैं, उसमें कुदाल लग जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर रखा है ना ये सामने, कुदाल लग गया इसमें। आप बर्थडे के दिन? नहीं 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 ये देखो एक और आ गया। जूम करके दिखाऊं, वो देखो सामने वहां पे ये है। सो गाइस अभी फिर से मैं जाने लगी हूँ बाड़े की साइड, और वेदू को सुला दिया है मैंने, बर्तन धोए और दाल रख के मतलब चने रख के आ गई हूँ शाम के लिए। एक बार कुकर में बॉईल करने के लिए रख के आ गई हूँ, और एक बार फिर बॉईल करेंगे। तो मम्मी ने बोला कि तो इसको ले जा, क्योंकि आगे वो मुझे बोल रही थी मैं पॉटी करती हूँ करके, वो बहाने मार रही थी कोई पॉटी वोटी नहीं करनी थी उसको, तो उसको ले गई मैं। और मैंने दाल वाल साफ़ करी, तो उसको मैंने दे रखा था मम्मी का मोबाइल कार्टून लगा के। क्या फिर लाना है? अभी लाती हूँ। मम्मी का मोबाइल दिया था कार्टून लगा के, वो सो गई, उसको नींद आ गई, मतलब उसने अच्छी खासी वो
जो नहाने के बाद जो उसको सुकून मिला होगा ना, उसने सोचा होगा मैं सो जाती हूँ करके, तो फिर वो सो गई। और दाल वाल रखी मैंने कहा एक बार और ले आती हूँ, थोड़ा बहुत मैं लेके आई थी और थोड़ा बहुत और ले आती हूँ सोचा मैंने, और मम्मी ने यहाँ निकाल दिए इतने, मम्मी इतना बड़ा है अंदर तो ये निकालने में है। और अंदर की साइड वो देखो वहाँ जहाँ जहाँ वाइट दिख रहा होगा सब वही है, लेकिन अंदर को तो ज़्यादा खोद नहीं सकती हो। और ऊपर साइड रख रखा है मम्मी ने निकाल के, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कितना ज़्यादा है। थोड़ा ले जाती हूँ मैं इसमें पानी में रख के, और फिर मैं पानी ले आऊँगी तेल ले ले। ये देखो ये इसको ला हाथ में मम्मी, इसको ले, ये देखो इतना बड़ा है। आप बताओ कितने टाइम से हो रखा होगा ये। ला इसको ले जाती हूँ मैं, लेके आ गई हूँ। और ये बड़ा वाला जो है दिन में के बच चुके हैं 1:30, और अभी भी मम्मी वहीं लगी हुई है, और बहुत सारे जो है तैर निकल गए हैं हमारे यहाँ, उनको तौड़ बोलते हैं, बहुत सारी जगह तैर बोलते हैं। और तो तैर जो है शिवरात्रि के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और अभी जो है कुछ दिनों बाद शिवरात्रि आने वाली है तो उस टाइम पे मिलेंगे मार्केट में, वैसे तो नॉर्मली मिलते नहीं हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये वाला तो मम्मी ने लगाया है, ये वो है जो जंगली होता है, मम्मी बोल रही है वो और ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं पहुँच चुकी हूँ चाचा लोग के घर के यहाँ पे, मम्मी ने मुझे मंगाया था ये टब, तो अब मैं टब देती हूँ मम्मी को। और निकल पाया पूरा पूरा? हाँ तो निकाल दिया मम्मी ने, दीवार तोड़ दी है पूरी मम्मी ने निकाल निकाल के, और अभी इसको रखेगी इसमें। देखो इतना ज़्यादा मैं ले गई हूँ, अभी और रखा है इसने। तो मैं तो आ गई हूँ मम्मी को परात वो दे के, सॉरी टब दे के। मम्मी उसको पूरा ढक देगी ना अब अच्छे से, क्योंकि उसके ऊपर साइड जिसमें वो गया था उसमें आड़ू का पेड़ है, वहाँ पे मतलब आड़ू का पेड़ है, तो वो खाली ख़राब नहीं होना चाहिए। एक उसके चक्कर से अगर पूरा आड़ू का पेड़ ख़राब हो गया फिर वो मुझे डांटेंगे। तो मौसम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 1:30 बज रखे हैं बताया मैंने दिन में के, और हमारे यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है। मैं जो है थोड़ा बहुत काम करते रह रही हूँ, क्योंकि आज तो चलो थोड़ा मम्मी है हेल्प करने के लिए, पर अभी तक मम्मी वहीं बाड़े में थी, अब घर में आ जाएगी मम्मी तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी। और मैंने चने रखे हैं बॉईल करने के लिए, एक बार के एक बार और करूँगी अभी। और अभी जो है मैं नीचे कमरे में सफाई करके गुब्बारे फुला रही थी, मैंने कहा थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, अभी वेदू भी सोई हुई है ना। तो मैं पहुँच गई हूँ घर में गप्पे लड़ाते लड़ाते, और मेरे यहाँ पे फूल दिख रहे होंगे आपको। एक छोटा वाला सोफ़ा मैंने हटाना पड़ा अंदर से, क्योंकि मेरे वहाँ जगह है नहीं अंदर, तो अभी फुला मतलब अभी डेकोरेशन करती हूँ थोड़ा बहुत, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे बन रही है मेरी दाल, मैंने आप लोगों को बोला था ना उस दिन मैं यहीं पर बनाऊँगी करके, तो चने बॉइल कर रही हूँ यहाँ पे। मौसम को देख के तो मज़ा ही आ गया, बस शाम को बर्थडे के टाइम पे ना हो फिर तो होते रहे, मेरे को कोई मतलब नहीं है अंदर। और आज मेरी वेदू का कमरा जो है कुछ ऐसा लग रहा है, ये तो खैर रोजी का ठहरा, इसमें कोई ने कुछ नहीं करा है, यहाँ पे सामान रख रखा है, ये यहाँ पे बनाएंगे बर्थडे। मैंने जो है ये जो ब्लैक कलर की जो भेजी थी उसकी मौसी ने जो डेकोरेशन वाली चीज़ है ये लगा दिया है पीछे से ब्लैक कलर का, और ये हैप्पी लगा है, अभी बर्थडे लगाना बाकी है और बलून फुलाने बाकी हैं। तो मैं करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में, अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो मम्मी ये वाले तो आधे धो दिए, ये मेरे वाले हैं, कितने मतलब ये धोए हुए क्यों ले जा रही है फिर? तो धोए हुए नहीं ले जा रही, ये हैं घर के लिए ले जाएगी जिनको। और ये है देखो धोने के बाद ऐसे हैं कुछ, और एक कुकर में बॉईल करे हैं अभी, 10-15 किलो निकल गए हैं ऐसा है महाराज। यहाँ पे छिल रही हूँ मैं प्याज, और ये है बॉईल किए हुए, कभी आप लोग भी खा के देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा। क्या हुआ बर्थडे गर्ल को, क्या हुआ मेरी बर्थडे गर्ल उठ गई है, एक पकड़ दूँ। मैंने वहाँ गुब्बारे लगा दिए हैं, ढेर सारे गुब्बारे। सो गाइस शाम के बज चुके हैं अभी 6, और थोड़ा बहुत काम हो गया था, लेकिन भगवान जो है ज़्यादा ही खुश हो गए हमारे काम से, और बारिश कर दी ऊपर से बहुत ही ज़्यादा, तो एक सब्जी बन के वहाँ मतलब तैयार है, और दूसरी सब्जी अब कहाँ बनाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है मुझे पुराने घर में सब सामान ले जाके वहीं बनाना पड़ेगा। और मम्मू लोग आ गए, मम्मू और कब्बू लोग आ गए,
तो वो लोग तो ऊपर वाले कमरे में है, मैं नीचे वाले कमरे में आई हूँ यहाँ पर सब ठीक करने के लिए, क्योंकि यहाँ लाइट भी कम हो रही थी तो मैंने ये रिंग लाइट यहाँ पर लगा दी और इसको थोड़ी देर चार्ज पर लगा देती हूँ फ़ोन को, और फिर आप लोगों को सीधे शायद बर्थडे में ही मिलूंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी हो रखी हूँ अभी, और बर्थडे में थोड़ा बहुत दिखाऊंगी दिखा सकूंगी तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में।